रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें सबसे पहले ओवरी ऑफ कोर्स इसके पास प्रेजेंट है। ओवरी इसके अंदर वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है। ये वन पेयर ऑफ ओवरी भी कहाँ पर प्रेजेंट है? 13th सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर ओवा यानी कि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देन हमारे पास है ओविडकल फनल। ओविडकल फनल है यानी कि ओवी ओवरी से निकल रही है फनल। वन पेयर है और ये वन पेयर है तो ऑब्वियस सी बात, अगर ये फनल ओवरी से निकल रही है तो ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होगी? 13th सेगमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे पास डक्ट होती है और इस डक्ट को भी हमने नाम दे दिया ओविडक्ट। ये भी अगेन वन पेयर ओविडक्ट है, कहाँ पर प्रेजेंट होगी? 13th एंड 14th सेगमेंट में ये एक्सटेंडेड होती है। 13th और 14th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे पास आता है फीमेल जेनाइटल अपरेचर। फीमेल जेनाइटल अपरेचर जिसके थ्रू हमारे एग रिलीज्ड होते हैं क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन कोकोन के अंदर होता है। तो फीमेल जेनाइटल अपरेचर एक सिंगल ओपनिंग है और ये ओपनिंग भी हमारी कहाँ पर है? 14th सेगमेंट के अंदर ये ओपनिंग होती है। ठीक है, और इसी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एरिटेमा की बात कर रहे हैं तो हम स्पर्मथिका को कैसे भूल सकते हैं? स्पर्मथिका जिसको हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट इंक्लूड किए थे। तो फोर पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो गए? 6 सेगमेंट में, 7 सेगमेंट, 8 एंड 9 सेगमेंट। एक्चुअल में ये सेप्टा पर प्रेजेंट होते हैं। 5 और 6 सेप्टा पर प्रेजेंट है। 6 और 7 सेगमेंट के सेप्टा पर प्रेजेंट है। 7th और 8th के सेप्टा पर और 8 और 9th के सेप्टा पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो वेंट्रो लेटरली साइड पर ये प्रेजेंट है। और स्पर्मेथिका के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंट है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। आपको इमेज में भी दिख रहा है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। अगर इनका मैं स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में ये जो रीजन है ये हमारा ओपनिंग होता है स्पर्मथिका का, और इस स्पर्मथिका के ओपनिंग से नीचे वाला जो रीजन है थोड़ा नैरो पोर्शन है, इसको हम नेक कहते हैं। जो स्वोलन पोर्शन होता है उसको एम्प्यूला कहा जाता है एंड दिस इज नोन एज डाइवर्टिक्यूलाई। दिस वन नोन एज डाइवर्टिक्यूलाई। ठीक है, अब ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पेरिटीमा पोस्थ्यूमा की, तो पेरिटीमा पोस्थ्यूमा में जब हमारे दो अर्थ फॉर्म एक दूसरे से कॉपुलेट करते हैं तो इसका काम क्या है? ये स्पर्म को स्टोर करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? स्पर्म को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर आपका स्पर्म, यहाँ पर मान लीजिए स्पर्म है। ठीक है, ये स्पर्म हमारे पास, ये स्पर्म को स्टोर करेगा। कॉपुलेशन के बाद जो एक्सचेंज ऑफ गैमेट हो रहा है देन ये इसने स्पर्म को स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है वो स्टोर कहाँ पे होगा? एम्प्यूला में। किसकी बात करें? अगर हम फेरिटेमा पोस्थ्यूमा की बात कर रहे हैं तो। और डायवर्टिक्यूलाई क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डायवर्टिक्यूलाई का काम क्या है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और एम्प्यूला काम क्या करेगा? स्टोरेज का काम करेगा। लेकिन दूसरी किसी अगर हम अर्थवर्म की स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो उसमें फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसमें डायवर्टिक्यूला स्टोर करता है और एम्प्यूला हमारा स्टोरेज का काम, सॉरी नरिशमेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो हम फेरिटेमा पोस्थ्यूमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डायवर्टिक्यूला, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर, यस, तो डायवर्टिक्यूला स्टोरेज का काम करता है और हमारा एम्प्यूला जो है ये नरिशमेंट का काम। क्लियर, तो ये तो बात हो गई स्पर्मथिका की, किस तरीके का स्पर्मथिका है, क्या वो काम करेगा। ठीक है, ओके, स्पर्मथिका कितने हैं? 4 पेयर में प्रेजेंट है। वाइटेशन कलरेशन होते हैं और इनका लोकेशन आपको समवेयर हियर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरी की। ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट है? हमने कहा 13 सेगमेंट के अंदर। 13 सेगमेंट में यहाँ पर आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी है। ठीक है, जो हमारी वेंट्रल कोड होती है ना, वेंट्रल कोड के दोनों लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती है और इसकी स्ट्रक्चर ना आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। अगर मैं देखूं तो इस तरीके से कुछ लीफ शेप स्ट्रक्चर इसकी होती है
और इस लीफ शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे हम कह सकते हैं ओवा होते हैं, वो अपनी स्टेज ऑफ मैच्योरेशन के बिहाफ पर अरेंज होते हैं। स्टेज ऑफ मैच्योरेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ओवरी है, तो इसमें जो फुल्ली मेच्योर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेच्योर ओवा, और ये हमारे इमेच्योर ओवा है। ठीक है, तो इसके जो ओवरी है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, बीड्स ऑन अ लीफ, बीड्स ऑन अ लीफ, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट इसके ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ओवरी की, इस तरीके के ओवरी प्रेजेंट होते हैं। अभी नहीं, ओवरी से ओविडकल फनल निकल रही होती है जो ओवा को ओविडक्ट के थ्रू फीमेल जिनेटल के अपरेचर बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा का सारा अरेंजमेंट, इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ 13 और 14 सेगमेंट तक ही रिसाइड हमारा कर रहा होता है। तो ये तो बात हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी की, एनाटॉमी की, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट। अब बात करते हैं किस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरीके से इसमें कोकोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, आई होप आपने इसको नोटेड डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया ओवरी के बारे में, ओविडक के बारे में, स्पर्मेटिका, फीमेल जेनिटल एपरेचर के बारे में। क्लियर, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। सो कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थवर्म है, दो अर्थवर्म होंगी, मान लीजिए ये अर्थवर्म ए है, ये अर्थवर्म बी है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज हो जाती है, इन द सेंस कि इस तरीके से ये अटैचमेंट शो करती है कि एक का माउथ अगर इस साइड है तो दूसरे का माउथ कुछ इस तरीके से होगा, ताकि एक दूसरे के जो रिप्रोडक्टिव पोर है उनको फेस कर सके, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स करना है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स कैसे होगा, ए से गैमेट्स का एक्सचेंज होगा बी की तरफ, बी से गैमेट का एक्सचेंज होगा ए की तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे के रिप्रोडक्टिव पोर में स्पर्म को ट्रांसफर कर देती हैं। हमने कहा था जो स्पर्म है वो क्या करता है, स्पर्म कहाँ पे स्टोर होता है, स्पर्मथीका में। तो जो भी यहाँ से स्पर्म का ट्रांसफर हुआ वो स्पर्म में जाके वहां पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब एग कहाँ पर रिसाइड कर रहा है, अगर हमारा ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म का क्या है, दिस इज द क्लाइटेलम रीजन। ठीक है, एक क्लाइटेलम रीजन है ना, तो होगा क्या, एक सेकेंड, यस, एक क्लाइटेलम रीजन है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे अर्थवर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द कोकोन। तो कोकोन बनेगा, कोकोन कौन बनाने वाला है, ये क्लाइटेलम रीजन बनाने वाला है। कोकोन बनेगा कहाँ से बनेगा, जो एल्ब्यूमिन ग्लैंड थी ना कोकोन के अंदर, वो एल्ब्यूमिन ग्लैंड सिक्रीशन करेगी ऐसे पार्टिकल का जो कोकोन के फॉर्मेशन करेगा। अब इस कोकोन की होती है शिफ्टिंग, ये कोकोन शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से अर्थों में आगे की तरफ मूव करता है। तो सबसे पहले ये एग को रिसीव करेगा कोकोन, एंड देन क्योंकि आपके स्पर्मथीका लाई कर रहे हैं 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, इनके इंटरसेगमेंटल जोन पर लाई कर रहे हैं ना, तो जब ये कोकोन इधर से इधर मूव करेगा तो ये स्पर्म को भी रिसीव करेगा। तो ऐसे करके जो कोकोन है वो अर्थवर्म की बॉडी से बाहर निकल जाता है और उसी कोकोन के अंदर एग का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि कोकोन की स्लिपिंग हो गई। तो अब कोकोन के अंदर हमारे फर्टिलाइज्ड एग होते हैं और इन्हीं फर्टिलाइज्ड एग से धीरे धीरे कोकोन से अर्थवर्म बनेंगे और इस कोकोन से बाहर ऐसे उनकी इमर्जिंग होगी। तो इस तरीके से अर्थवर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है इनसाइड द कोकोन, उसकी बॉडी के अंदर किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ये कहाँ पर हो रहा है, उसकी बॉडी के बाहर। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो किस तरीके से कॉपुलेशन के टाइम पे वो अरेंज होती है, ये इनके स्पर्मथीका है, यू कैन सी हियर दीज आर द स्पर्मथीका। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो मेल जेनिटल पोर है वो स्पर्मथीका को फेस करे, इस तरीके से गैमेट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, स्पर्मथिकल एपरेचर के अंदर वो स्टोर हो जाता है, राइट। तो ये था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैगेटिमा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।